देख रही हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि ये किसके लिए लिया आपने? क्योंकि बिलाल के लिए तो ये आप लेने से रही। फिर माइंड योर ओन बिजनेस। जवाब दिए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी सिर्फ बिलाल के सामने चलती है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी? ऐसा ना कभी हुआ था और ना होगा। बहुत हैरान हो रही हो मेरा कॉन्फिडेंस देख के, क्योंकि तुम तो यही चाहती थी कि मैं डिप्रेशन की मरीजा बनी अपने कमरे तक महदूद रहूं और तुम पूरे घर पे होल्ड कर लो, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगी। तो अब तुम अपनी सारी उम्मीदों के खत्म होने का सोप मनाओ और कुछ और सोचो। और मैं ये बता दूं कि तुम्हारी ये हरकतें और बिलाल की लापरवाही अब मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी, इसलिए बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं। वाह भाई वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया आप में, यकीनन कोई तो है। तुम जैसे लोगों का यही मसला होता है, जो किसी को मुतमईन नहीं देख सकते और ना खुश देखना गवारा करते हैं। तुम सोचती रहो, आई डोंट केयर। आप भले लापरवाह हो गई हो, लेकिन मुझे तो परेशान कर दिया ना आपकी बेफिक्री ने। कोई तो है सबके पीछे।